क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कितने विकास खंड है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 146 विकास खंड है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन हो रहा था तब भी 146 विकास खंड ही थे, लेकिन याद रखें विकास खंड उस समय भी 146 थे, अभी भी 146 है, ठीक। उस समय तहसील की संख्या जो थी वह थी 96, बट अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में आपकी तहसीलों की संख्या है 150। उस समय जो संभाग थे वह 3 थे, बट अभी जो संभागों की संख्या है वह है 5। यानी कि जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तब और वर्तमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 146। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? याद रखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दंतेवाड़ा जिला एक भू आवेष्टित जिला है, वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 28, छत्तीसगढ़ राज्य पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित भू आवेष्टित राज्य, बिल्कुल सत्य, ये एक भू आवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हमने पहले देखा, हाँ कर्क रेखा होकर गुजरती, जो कि 3 जिले एवं 7 तहसीलों से होकर गुजरती है, और छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती, बिल्कुल करती है, जिसमें सबसे बड़ी सीमा आपकी कौन बनाती है? उड़ीसा, और सबसे छोटी सीमा कौन बनाती है? आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तीनों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न किन कथनों में सत्य कथन का चयन करें? 1905 के पहले वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिलों का निर्माण हो चुका था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1905 के पहले 2 जिले बने थे वर्तमान छत्तीसगढ़ में, जिसमें बिलासपुर और दूसरा था आपका कौन सा, रायपुर। अगर संबलपुर को भी काउंट करते हैं तो भी 6 जिले नहीं बने थे। सरगुजा जिले का निर्माण बिलासपुर जिले से अलग होकर नहीं हुआ था, इसका स्टेटमेंट को समझने की कोशिश, सरगुजा जिले का निर्माण बिलासपुर जिले से अलग होकर हुआ था बोलना था, बट ये बोल रहा है हुआ नहीं था, हुआ नहीं था, इसका मतलब ये है कि वो उस स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, सरगुजा जो जिला है वह बिलासपुर जिले से ही अलग होकर बना था। अगर सरगुजा जिले के मातृत्व जिले की बात करूँ तो वह कौन सा होगा? बिलासपुर जिला होगा, क्योंकि जब 1905 में बंगाल डिवीज़न होता है तो बंगाल डिवीज़न के समय, कब, बंगाल विभाजन के समय, सरगुजा से संबंधित सारी रियासतें, यानी कि सरगुजा से संबंधित कोरिया, चांगबगार, उदयपुर और जसपुर जो रियासतें थी, उन सबका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था वो कौन सा था? वो बिलासपुर जिला ही था। यानी कि बिलासपुर जिला एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट की, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जा रहा था, ऑपरेट किया जा रहा था, और उनके अंतर्गत कुछ क्या थी, रियासतें थी। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट होगा कि सरगुजा जिले का निर्माण बिलासपुर जिले से अलग होकर नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत होगा। थर्ड नंबर पे आता है बालोद का निर्माण कांकेर से होकर हुआ है, बिल्कुल गलत। 2012 में बालोद का निर्माण जो होता है सर्वप्रथम कहाँ से, सर्वप्रथम 19 नंबर का डिस्ट्रिक्ट पे या दुर्ग से अलग होकर होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत है। तो इसमें होगा ऑप्शन के हिसाब से 1, 2 और 3 तीनों गलत है, तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा, सुमेलित कीजिए, ठीक। इसके पहले हमको देखना पड़ेगा बस्तर संभाग के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा ये आपका क्या है, ये पूरा आपका जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये आपका लगभग सारा क्या है, बस्तर संभाग है, ठीक है। ये आपका बस्तर संभाग हो जाता है, बस्तर संभाग में ये आपका कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद ये नारायणपुर, ठीक, नारायणपुर के बाद ये बीजापुर, बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद ये क्या है आपका, बस्तर, और बस्तर के बाद ये क्या है आपका, सुकमा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि सर्वप्रथम 1948 में बस्तर बनता, वहाँ पर कोई भी जिले नहीं होता, लेकिन 1998 में सिंहदेव कमेटी की सिफारिश के पश्चात यहाँ पर कांकेर जिला सर्वप्रथम बनेगा, और कांकेर के बाद हमें सिर्फ दंतेवाड़ा प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 98 में दंतेवाड़ा और कांकेर हो गया आपका 98 में, ठीक, यानी कि कांकेर और दंतेवाड़ा का जो मातृत्व जिला होगा वह होगा मेरा बस्तर। देन मैं आता हूँ, रुक करता हूँ 2007 की तरफ। तो याद रखेंगे बीजापुर बनता है 2007 में, नारायणपुर बनता है 2007 में, नारायणपुर अलग होके बनता है किससे, बस्तर से, और बीजापुर अलग होके बनता है किससे, दंतेवाड़ा से। इसके पश्चात रुक करते हैं हम लोग 2012 की तरफ। तो 2012 में याद रखेंगे उस समय कोंडागांव बनता है, इधर आ बनता आपका सुकमा। तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो बनेगा दंतेवाड़ा से अलग होकर बनेगा कौन सा, सुकमा 2012 में, एंड कोंडागांव अलग होकर बनेगा किससे, 2012 में, किससे, बस्तर से। तो इस तरह से अगर मातृत्व जिला के आधार पर इसको मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा ध्यान से मिलाएंगे तो आंसर निकल आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सी बी डी ई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं बना था। याद रखेंगे मध्य प्रदेश का जिले का गठन, आप लोग आंसर सोचते रहिए क्या होगा आंसर बताइए, खुद नोट करिए, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ फिर बात करते। तो 1956 में कुल कितने जिले बने थे, पहले ही बताया 6 जिले, कौन कौन से, बिलासपुर होगा, रायपुर होगा, रायपुर के बाद आपका कौन सा होगा, दुर्ग होगा, फिर आपका कौन सा होगा, सरगुजा होगा, सरगुजा के बाद आपका रायगढ़ होगा, रायगढ़ के बाद क्या होगा, बस्तर होगा, यानी कि टोटल 6 जिले बन चुके थे। याद रखेंगे बस्तर जिला जो बनता है वो कांकेर और बस्तर रियासत को मिला के बनाया जाता है, साथ ही साथ सरगुजा जिला जो बनाया गया तो पांचों रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, और जो रायगढ़ जिला बनाया गया तो रायगढ़ शक्ति और सारंगढ़ आपके रियासत को मिलाकर एक जिला बनाया गया था। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा दुर्ग, ठीक है, बन चुका था, रायगढ़ बन चुका था, सरगुजा बन चुका था, बट ऑप्शन नंबर डी यानी कि दंतेवाड़ा नहीं बना था, क्योंकि दंतेवाड़ा कब बनता है आपको पता है मैंने यहाँ पे कब, 98 में, और एमपी की फॉर्मेशन 1956 है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं प्रश्न 32, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जिले अन्य दो राज्यों से संलग्न है, तो ध्यान रखेंगे इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव, बीजापुर, अजसपुर, यानी कि ये जो राज्यों का, ये जो जिलों का युग्म है, राजनांदगांव हो गया, फिर आपका जसपुर हो गया, ये बीजापुर हो गया, तो याद रखेंगे जो राजनांदगांव है वह महाराष्ट्र और एमपी को टच करता है, जसपुर जो है वो झारखंड और साथ ही उड़ीसा को टच करता है, और आपका ये जो आपका कौन सा है ये बीजापुर, बीजापुर जो टच करता है वो करता है आपका तेलंगाना और साथ ही साथ कौन सा, महाराष्ट्र को। तो बीजापुर में आपको समनूर संगम मिलेगा, हारवेल संगम मिलेगा, बनालू फेस्टिवल भी वहीं होगा, तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन होगा सी, करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य 7 जिलों को स्पर्श करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी जो आपको ऑप्शन फ्लैश हो रहा है उसके आधार पर जो आंसर होगा वह होगा बलौदाबाजार, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, उसके आधार पर होगा बलौदाबाजार, लेकिन अगर मैं बात करूं जब पेंड्रा मरवाही गौरेला हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जिले हो जाएंगे जो कि 7 जिले को स्पर्श करते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया बलौदाबाजार को, ठीक, तो बलौदाबाजार का ये वाला भाग होगा बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये जांजगीर चांपा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका रायगढ़ वाला भाग, ठीक है, रायगढ़ के बाद यहाँ पे महासमुंद, महासमुंद के बाद ये वाला भाग आएगा रायपुर, और रायपुर के बाद ये वाला भाग आ जाएगा मुंगेली, और ये वाला भाग आ जाएगा आपका बेमेतरा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 के हिसाब से तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेंड्रा मरवाही गौरेला वाली सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है, चलिए उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से, मैं छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि फास्ट है शायद इसलिए थोड़ा अच्छा ना बने तो उसे इग्नोर करिएगा। ये करेक्ट, चलिए तो ये मैंने क्या बोला कोरबा बनेगा, अच्छा यहाँ से आप याद रखेंगे एक आपका क्या बन जाएगा ये पीएमजी, और इधर से क्या हो जाएगा ये बिलासपुर, तो ध्यान रखेंगे एक जिला कोरबा, दूसरा जिला सूरजपुर, तीसरा जिला सरगुजा, चौथा जिला रायगढ़, पांचवा जिला जांजगीर चांपा, छठवा जिला बिलासपुर, और सातवा जिला आपका हो जाएगा पेंड्रा मरवाही गौरेला, यानी कि पेंड्रा मरवाही गौरेला बनने के बाद छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जिलों को स्पर्श करने वाले 2 जिले हो जाएंगे, पहला कोरबा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बलौदाबाजार, था इसका आंसर होगा डी। को प्रश्न 34, छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिलों में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक तहसील वाला जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा है, ध्यान देंगे देखिएगा तहसील सबसे ज़्यादा जो है इसका ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है जांजगीर चांपा, सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पर है जांजगीर चांपा, और सबसे ज़्यादा विकासखंड अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकासखंड वाले जिलों में आ जाएगा आपका कौन कौन सा, राजनांदगांव, दूसरा आ जाएगा आपका रायगढ़, और तीसरा आ जाएगा आपका क्या जांजगीर चांपा, ठीक। तो ये मेरी बात हुई थी किसकी तहसील की, और ये मेरी बात हुई किसकी विकासखंड की, तो कितने तहसील जांजगीर चांपा में 10, करेक्ट 10 तहसील है जिसमें से एक जो है लेकिन जांजगीर जो है वह विकासखंड नहीं है, ठीक है। तो राजनांदगांव में कितने विकासखंड 9, रायगढ़ में कितने विकासखंड 9, जांजगीर चांपा में कितने विकासखंड 9, यानी कि हाईएस्ट जो कैटेगरी है विकासखंड का 9 है, और तहसील का हाईएस्ट कैटेगरी क्या है 10 है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वह होगा सी जांजगीर चांपा जिला। आशा करता हूँ कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे, और
कोशिश रही है थोड़ी स्लो करने की चीज़ों को, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्लो है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, बाकी जिनको स्लो चाहिए होता उसके लिए ठीक है। और अगला जो हम टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम फिजियोग्राफी में बात करेंगे, फिजियोग्राफी के बाद हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम कोर जियोग्राफी में एंट्री करेंगे जिसमें हम चट्टान वगैरह में आएंगे, और आने वाले टाइम में हम जनजाति नृत्यों पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।